सो हेलो गाइस, वेलकम टू अन एकेडमी। और मैं हूं शुभदीप दत्ता, आपका एडुकेटर फॉर केमिस्ट्री। सो गाइज, वेलकम टू द टारगेट टॉप 100 रैंक्स MHT CET 2021। एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस प्लेटफॉर्म फॉर क्रैक महाराष्ट्र CET। हमारी क्लासेस जो रहेंगी वो आपके फुल प्रिपरेशन के लिए रहेंगी, फ्रॉम मंडे टू संडे, और डेली लाइव क्लासेस आपकी रहने वाली हैं, राइट? सो केमिस्ट्री फ्रॉम 1 PM एंड देन अगेन एट 9 PM। ये टाइम आपको याद रखना है क्योंकि कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। और अगर आप क्लास मिस नहीं करते हैं तो आपको मान के चलिए कि एटलीस्ट ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तो पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, और बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके कंसर्न टीचर्स कंप्लीट करवाएंगे। तो आपकी फुल प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं क्रैक केमिस्ट्री CET में, राइट? सो गाइस, अपने बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। मेरा नाम है शुभदीप दत्ता एंड आई एम एन अलुमनाई ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर। I have some 5+ years of teaching experience and I teach chemistry. I specialize in teaching IIT JEE and NEET along with various state entrance examination such as the Maharashtra CET, right? जैसा कि आपको पता है कि आने वाले कुछ समय में और बीते कुछ समय में Unacademy जो है इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, और एवरी डे लैक्स ऑफ स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ में उनको मिलता है एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का इंडिया के बेस्ट एडुकेटर से, गाइस, ठीक है? तो आज ही आप अपना सब्सक्रिप्शन बुक करें MHT CET के लिए अनअकैडमी के साथ। पहला जो आपका कदम होगा, स्टेप होगा, वो होगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, सो दैट कि आपको एवरी डे गूगल प्ले स्टोर से जो आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड किया है और सब्सक्राइब किया है और उसको साइन अप किया है, एवरी डे आप नए नए वीडियोस देखें, नए नए सब्जेक्ट को और अपनी नॉलेज को इनक्रीज करते जाएं, है ना? टेलीग्राम ऐप एक ऐसी ऐप है जहाँ पे अनअकैडमी फ्रेटर्निटी आपसे कनेक्ट हो सकती है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप। फिर उसके बाद आपको URL में हमारा लिंक टाइप करना है क्रैक महाराष्ट्र CET एग्ज़ाम, और उसके बाद जो ग्रुप आएगा उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। तो हम लोग इस तरह से एक दूसरे से टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो गाइज़, ये हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ से लेकर 24 मंथ के लिए। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको पड़ेगा 2,700 रुपीज़ का, जो कि आपकी ट्यूशन फीस है। और 24 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो आपको वो पड़ेगा 21,600 रुपीज़ का। साथ ही साथ अगर आप ये जो कोड नीचे फ्लैश कर रहा है शुभदीप, सॉरी, ये जो कोड आपको दिखता है शुभदीप, ये कोड आपको यूज़ करना है गाइस, क्योंकि इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। ये 10% डिस्काउंट आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। आपको मेरा नाम जो कि शुभदीप है उसको एज अ रेफरल कोड यूज़ करना है। तो गाइस, डिस्काउंट हम सभी को बहुत पसंद है, राइट? हर जगह पे अगर हमें डिस्काउंट मिले तो क्या ही बात है। तो हर जगह की तो मैं नहीं जानता, लेकिन अनअकैडमी में आप अगर आप मेरे नेम को एज अ रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है? चलिए, आज गाइस हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना? इसको आप और क्या कह सकते हो, इसको आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, या तो इसको आप हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोल सकते हो।
हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोल सकते हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटलीस्ट आइसोमेरिज्म जीओसी तक तो आपको ये बात बहुत काम आने वाली है, और साथ ही साथ आपके माइंड के डिफरेंट नर्व्स को ये टच ज़रूर करेगा, है ना। आपको सोच सोच के आंसर निकालना पड़ेगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस इस क्लास में, है ना। तो देखो बात क्या है कि अगर मान लो मैं कोई मॉलिकुलर फार्मूला लिखूं, है ना, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं आपको एक फील देना चाहता हूं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है क्या। जैसे कि C2H6 लिखते हैं, है ना, तो C2H6 का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, CH3CH3, है ना, और कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक कार्बन के टोटल चार बॉन्ड होते हैं और चारों बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट किए जा रहे हैं। इसका नाम वैसे इथेन है, ठीक है। सेकंड, जैसे कि अगर मान लो मैं ले लेता हूँ C2H4, तो इसका नाम इथीन होता है। क्या होता है, इथीन, राइट। तो इथीन कैसे बनाया जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, इधर पे भी हाइड्रोजन और इधर पे भी हाइड्रोजन, तो दो कार्बन है दो हाइड्रोजन है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक और लेते हैं, जैसे कि C3H8 है। अब C3H8 में भी क्या होगा, कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और बाकी सारे बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से कवर किए जा रहे हैं, जैसे कि इधर पे और इधर पे। तो टोटल तीन कार्बन और आठ हाइड्रोजन अगर मुझे लगाने हैं तो मुझे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है, है ना। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखें गौर करें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कार्बन के नंबर तो सेम है लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। इधर पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो बेसिकली आपने 1 मोल हाइड्रोजन गैस यहाँ से अगर निकाल लिया होता तो हम लोग इथेन को इथीन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन कहाँ से निकला, 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम हमें निकालने हैं तभी तो मॉलिक्यूल एक बनेगा, है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से इस बॉन्ड को खाली कर दिया, यहाँ से इस बॉन्ड को खाली कर दिया, और तो हाइड्रोजन कार्बन ने ऑल ओवर एक एक बॉन्ड लूज किए तो आपस में यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया और इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सिस्टम से हमने हटा दिया, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से बनाता हूँ दूसरे पेज पर। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये कैसा कंपाउंड था, ये था सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। ये कैसा कंपाउंड है, ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा वहां पर। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली वो कैसे बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, वहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो सारे सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होगा, तो मतलब एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पर होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड तो यहाँ पर होना ही चाहिए। कहाँ पर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हमारे पास होना ही चाहिए, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। दो पाई बॉन्ड है तो भी अनसैचुरेटेड है, तीन है तो भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सैचुरेटेड से हमें अनसैचुरेटेड पे जाना है और केवल एक पाई बॉन्ड बनाना है तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एमिट करवाना पड़ेगा, मतलब सिस्टम में से एक हाइड्रोजन निकल जाए कुछ इस तरह से, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जैसे कि मान लीजिए C3H8 है, तो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तीन हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, जहाँ पे भी बॉन्ड खाली दिखे वहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये क्या बन गया, C3H8, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ऑल सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑल सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसमें से भी अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई दो हाइड्रोजन को निकाल दें अल्टरनेट पोजीशन से, जैसे कि यहाँ से निकाल दिया मैंने और यहाँ से निकाल दिया मैंने, तो इस बॉन्ड का हटने का मतलब है यहाँ से एक मोल हाइड्रोजन का निकल जाना, समझ गए। और अगर यहाँ पे एक मोल हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अभी यहाँ पे इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास एक एक बॉन्ड जो है वो खाली हो गया, तो ये बॉन्ड आपस में बन जाएगा, तो यहाँ पे फर्दर क्या हम बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे तीनों बॉन्ड आपके इंटैक्ट रहे, बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे ही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपीन, इसको क्या बोलते हैं प्रोपीन, और इसका नाम क्या था, प्रोपेन। तो बेसिकली ये क्या है, ये है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, बेसिकली ये क्या है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड, और ये कैसा है, ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये क्या है, ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क ये होता है कि कम से कम अनसैचुरेटेड में एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड तो होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में आना है ताकि केवल एक पाई बॉन्ड आ सके, तो मुझे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का या दो हाइड्रोजन एटम का यहाँ से लॉस करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को गाइस, क्या ये बात क्लियर है सभी को, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी मोल, एक मोल में एक पाई बॉन्ड है, मतलब एक हाइड्रोजन के मोल को अगर हम एमिट करवाते हैं, हटवाते हैं, तो वहां पर एक पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पे फॉर एवरी मोल ऑफ H2 रिमूव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड का मतलब ऑल सिंगल बॉन्ड या ऑल सिग्मा बॉन्ड, फॉर एवरी मोल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम अ सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, वन मोल ऑफ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। क्या ये बात हम लिख सकते हैं, वन मोल ऑफ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास क्या है कि प्रोपीन है, मान लेते हैं इस तरह से प्रोपीन है, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है ना, तो एक मोल हाइड्रोजन मेरा हट गया, और मैंने इन दोनों हाइड्रोजन को हटाया तो अभी बॉन्ड कहाँ बनेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा। और मैंने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को हटाया और इस हाइड्रोजन को भी हटा दिया, तो एक और बॉन्ड कहाँ बनेगा, एक और बॉन्ड यहाँ बनेगा, ठीक है। कार्बन के तो चार बॉन्ड होने ही चाहिए, अगर हाइड्रोजन हटा दोगे कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी ये कंपाउंड आपका क्या बन चुका है, दो हाइड्रोजन हटे तो ये, और दो और हाइड्रोजन हटे तो टोटल आपके दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हट रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन बचा, ये इस कार्बन ने अपने दोनों हाइड्रोजन लॉस कर दिए हैं, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो गया, बचे कितने, दो ही तो हाइड्रोजन बचे, है ना। तो देखो दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे थे ऑल सिग्मा बॉन्ड, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो पाई बॉन्ड है, टू पाई बॉन्ड्स आर देयर, देयर आर टू पाई बॉन्ड्स,
तो टू पाई बॉन्ड का मतलब आपने टोटल हाइड्रोजन कितने हटा दिए, 2 मोल हाइड्रोजन गैस के हटा दिए, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आपने यहाँ से रिमूव कर दिए। क्या ये बात क्लियर है सभी को गाइस? क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो जितने पाई बॉन्ड सिस्टम में आएंगे, लेकिन ये ओपन चेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन चेन होना चाहिए, ठीक है? ओपन चेन मतलब साइकिल नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? तो अगर ओपन चेन है तो जितने मोल आप हाइड्रोजन के हटाओगे उतने ही वहां पे पाई बॉन्ड बनते चले जाएंगे, है ना? एक्चुअली इसी को DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो जैसे कि यहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा? तो सोचो जरा कि ऐसा कंपाउंड जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला हो और उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड हो, है ना? ऐसा कंपाउंड जहां से आपने हाइड्रोजन निकाला हो जिसमें इनिशियली सारे सिग्मा बॉन्ड हो, बट हाइड्रोजन निकालने पर वो ये कंपाउंड बन जाए, है ना? तो बेसिकली इसका कन्वर्स भी हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल को देखो, अगर इस पाई बॉन्ड को अगर आप तोड़ के यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, इन 4 जगहों पर आप हाइड्रोजन को रिटर्न कर दो, तो वापस आपका ये बन जाएगा। तो बेसिकली डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता क्या है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और मोल्स दैट शुड बी एडेड, दैट शुड बी एडेड टू एन टू अ कंपाउंड। कंपाउंड जैसे कि ये है ना, सो दैट इट कन्वर्ट्स इंटू ओपन चेन, सो दैट इट कन्वर्ट्स इंटू ओपन चेन मतलब क्लोज चेन नहीं होनी चाहिए, आपको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, वो भी सैचुरेटेड कंपाउंड में, सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करना है, ठीक है ना? जितने मोल आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के दे दो ताकि एक कंपाउंड जो है वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाए, तो उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, इथीन है, ये क्या है, इथीन, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है? ओपन चेन में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड कंपाउंड में, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करना है, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करना है। तो ओपन का मतलब हुआ कि साइकिल नहीं होनी चाहिए, सैचुरेटेड का मतलब है कि पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें ओपन चेन साइकिल में, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करना है, तो बेसिकली क्या करेंगे, सारे पाई बॉन्ड को तोड़ के हमें हाइड्रोजन दे देने हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम इसका एक स्केलेटन तैयार करते हैं। ये ऐसा है, सारे सिंगल बॉन्ड बना दिए मैंने, ये जो एक पाई बॉन्ड है इसको तोड़ो, अगर इसको तोड़ते हो तो दोनों हाइड्रोजन, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कितने हाइड्रोजन ऐड करने होंगे? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हम ऐड करते हैं तो एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ आ जाएगा और एक हाइड्रोजन का एटम यहाँ आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को जो कि अनसेचुरेटेड है, इसको ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें केवल सेचुरेशन को अनसेचुरेशन को हटाना पड़ गया। ओपन चेन तो ये पहले से ही था, है ना? बस सैचुरेटेड नहीं था तो इसको सैचुरेट कर दिया। कैसे? पाई बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोजन ऐड किया, तो कितने मोल हाइड्रोजन ऐड किए? 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किए, है ना? तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पे DU कितना हुआ कि जितने मोल हाइड्रोजन तुमने ऐड किए, कितने, 1 मोल ऐड किए, तो DU कितना हो गया, 1। क्या ये बात समझ में आती है?
मेरे ख्याल से ये बात आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से आ गई होगी, है ना। चलो एक और लेते हैं, सोचो। तीन कार्बन है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक पाई बॉन्ड रखा है मैंने, ठीक है। तो ये कैसा कंपाउंड हुआ, अनसेचुरेटेड, ठीक है। एक पाई बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक सेकेंड, एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें एक पाई बॉन्ड है ना। तो इसको बताओ, हम ओपन चेन ओपन चेन सैचुरेटेड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थंब रूल क्या है कि अगर एक पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे एक मोल हाइड्रोजन हमें ऐड करना है, और अगर हमें एक मोल हाइड्रोजन ऐड करना है तो इसका मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन और। तो बेसिकली आपको एक मोल हाइड्रोजन ऐड करना पड़ गया। तो बेसिकली सिंपल सा फंडा क्या है कि एक पाई बॉन्ड का मतलब DU कितना, वन। क्योंकि एक पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको यहाँ पर चाहिए होगा एक पाई बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन। तो बेसिकली थंब रूल क्या है, एक पाई बॉन्ड का मतलब DU की वैल्यू 1। क्या ये बात समझ में आती है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की वैल्यू 1। यहाँ पे एक ट्विस्ट लाते हैं हम थोड़ा सा, मैं लिख लेता हूँ पहले। इसका मतलब क्या होता है, DU की वैल्यू कितनी है, 1 है। किसकी, इसकी, इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं ना। और ये इसका कन्वर्टेड फॉर्म है, कंपाउंड हम इसकी बात कर रहे हैं। एक पाई बॉन्ड इसमें है ना कि इसमें। इसका तो DU कितना है, इसका DU 0 है। इसका DU कितना है, इसका DU 1 है। इतना समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं ना इस कंपाउंड में। ये है इथीन, सॉरी प्रोपीन, और ये है प्रोपेन। तो प्रोपेन में ऑल सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। नो पाई बॉन्ड का मतलब DU 0। प्रोपीन में क्या है, देर इज वन पाई बॉन्ड। वन पाई बॉन्ड का मतलब DU इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस पाई बॉन्ड को सैचुरेट करवाने के लिए मुझे 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H8 है। देखो टोटल दो कार्बन, सॉरी तीन कार्बन, C2H8 नहीं, अरे यार आई एम वेरी सॉरी। ये क्या हुआ, ओके यहां पे देखो जरा, क्या यहाँ पे इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर हम लोग निकाल लें तो C3H6 आएगा। 6 हाइड्रोजन है टोटल, और 3 कार्बन है। तो C3H6 जो है वो प्रोपीन का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। और C3H6 देखो, अगर हम एक साइकिल बना दें, है ना, जैसे कि सी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, एक साइकिल बना दिया। तो इसकी और दो कितने बॉन्ड खाली हैं, दो। तो दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर, बोलो।
क्या ये भी C3H6 है? क्या ये भी C3H6 है? हाँ कि ना, ये भी C3H6 है, बट इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऑल सिग्मा बॉन्ड। क्या यहां पर कोई पाई बॉन्ड है? नो पाई बॉन्ड। बट इसका भी DU1 होगा, इसका भी DU1 होगा। क्यों? क्योंकि DU होता क्या है? DU होता है कि नंबर ऑफ एच टू एड कितना कर दें कि ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो सैचुरेटेड तो है ऑलरेडी, है ना, सैचुरेटेड तो है ऑलरेडी, मतलब यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, बट यहाँ पे ये ओपन चेन नहीं है, यहाँ पर ये क्या नहीं है? ओपन चेन नहीं है। तो ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए इस साइकिल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो साइकिल को ब्रेक कैसे करें? सोचो ज़रा, अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ दें, ये क्या हुआ? पता नहीं आज क्या हो रहा है, मैं फिर से बताता हूँ। ये था हमारे पास, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला कितना है? C3H6, ठीक है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं? C3H6 में 1 पाई बॉन्ड है, तो DU की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बट C3H6 फॉर्मूले से क्या हम कोई दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं? यस, एकदम बना सकते हैं। कैसे? 3 कार्बन को साइकिल में रख दें। अगर 3 कार्बन को हम साइकिल में रख देते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। 3 कार्बन को हमने साइकिल में रख दिया, कुछ इस तरह से कंपाउंड बन गया। इसका भी मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C3H6, है ना। इसका DU कितना होगा? इसका DU भी 1 होगा। अगर मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है ना तो DU की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अगर C3H6 इसके लिए DU1 क्रिएट कर रहा है तो C3H6 इसके लिए भी DU1 क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं, नो पाई बॉन्ड। यहाँ पे केवल क्या है? ओनली सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सैचुरेटेड होने के बावजूद DU1 क्रिएट क्यों कर रहा है? इस साइकिल की वजह से। क्योंकि DU का मतलब होता क्या है कि कितने आप हाइड्रोजन ऐड कर दो ताकि वो ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाए, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाए, है ना। तो ये ओपन चेन तो है नहीं, ओपन चेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमें मिलेगा क्या? इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर हमें मिलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ये और ये, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। इस बॉन्ड को अगर हमने ब्रेक किया तो एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़े? एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा कि नहीं? तब तो जाके ये ओपन चेन इसी कंपाउंड को हम यहां बनाते हैं, ओपन चेन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो पाएगा। क्या कुछ समझे? अगर एक पाई बॉन्ड है, सिंपल सा मैं बताऊं, अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड है तो DU की वैल्यू 1 होगी। अगर आपके पास एक साइकिल है ना, तो भी DU की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइकिल एक ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है। DU का मतलब होता है कि कितने हाइड्रोजन ऐड कर दो ताकि जो भी कंपाउंड है वो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर में, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। तब उसको क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। मेरी बात समझ में आती है गाइस? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, कि एक पाई बॉन्ड का रिप्लेसमेंट
इज आर रिप्लेसमेंट फॉर अ साइकिल, एक पाई बॉन्ड का रिप्लेसमेंट जो है वो क्या है, एक साइकिल है फॉर एग्जाम्पल। और एक पाई बॉन्ड का मतलब जो है उसका मतलब भी डी यू की वैल्यू वन है, या एक साइकिल का मतलब है डी यू की वैल्यू वन, ठीक है ना। तो मतलब चाहे एक पाई बॉन्ड हो चाहे एक साइकिल हो, अनसेचुरेशन जो है वो एक यूनिट का प्रोड्यूस करता है। एक यूनिट का अनसेचुरेशन प्रोड्यूस करने के लिए या तो एक पाई बॉन्ड होना चाहिए या तो एक साइकिल होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखे ज़रा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने मान लो ऐसा एक कंपाउंड बनाया, ऐसा एक कंपाउंड बनाया, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, आपस में इनको बॉन्ड से जोड़ दें, किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड भी जोड़ दें। तो देखो इस कार्बन के तीन बॉन्ड कंप्लीट हैं तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के भी तीन बॉन्ड कंप्लीट है तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन आएगा, इस कार्बन के दो बॉन्ड कंप्लीट है तो यहां पर दो हाइड्रोजन आएंगे, सॉरी यहां पर दो हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे इस सिस्टम के अंदर एक पाई बॉन्ड है ना, और एक साइकिल है, तो डी यू कितना हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड का मतलब डी यू की वैल्यू वन, एक साइकिल का मतलब भी डी यू की वैल्यू वन, तो टोटल डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, है ना, टोटल डी यू की वैल्यू टू हो जाएगी। अगर डी यू की वैल्यू टू है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वॉट आर द प्रॉबेबिलिटी। अगर किसी भी चीज़ की डी यू की वैल्यू टू है तो डी यू की वैल्यू टू का मतलब होता है कि या तो दो साइकिल हो तो भी डी यू टू हो सकता है, या तो दो पाई बॉन्ड हो तो भी डी यू टू हो सकता है, या तो एक पाई बॉन्ड हो और साथ में एक साइकिल हो तो भी डी यू टू हो सकता है, है ना। इसका मॉलिकुलर फार्मूला कितना है, C3H4, देखो ज़रा इसका मॉलिकुलर फार्मूला कितना होगा, तीन कार्बन है, एक दो और तीन, और हाइड्रोजन कितने हैं, एक दो तीन और ये चार, ठीक है ना। तो अगर ये मॉलिकुलर फार्मूला है तो डी यू की वैल्यू टू आ रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दो साइकिल हो सकते हैं, दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या तो एक साइकिल या एक पाई बॉन्ड हो सकता है। मेरे ख्याल से अभी आपको फील आ रहा होगा कि डी यू का मतलब क्या होना चाहिए, है ना। डी यू बेसिकली आपको क्या बताता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताता है। सिस्टम को ओपन चेन स्ट्रक्चर में, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपने बोला सर क्या हम कोई इसी फॉर्मूले से ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पर दो पाई बॉन्ड हो फिर भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो, C3H4। तो मैंने बोला एकदम बना सकते हैं, तीन कार्बन है ना तो तीन कार्बन बना देते हैं। तो साइकिल में एक हमने बना दिया, अब हमें केवल दोनों पाई बॉन्ड बनाने हैं तो साइकिल होएगी नहीं क्योंकि डी यू को टू मेंटेन करना है। दो पाई बॉन्ड के साथ में अगर साइकिल बना देंगे तो डी यू की वैल्यू थ्री हो जाएगी तब। तो अगर दो पाई बॉन्ड बनाने होंगे इसी फॉर्मूले के लिए तो बेसिकली हमें ओपन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ओपन स्ट्रक्चर मतलब तीन कार्बन है ना, दो पाई बॉन्ड देने हैं तो दो पाई बॉन्ड देने हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दे दें, है ना, एक पाई बॉन्ड यहाँ दे दें, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो देखिए इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, भाई चार बॉन्ड कंप्लीट कर दिए, इस कार्बन के चार बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, इसके दो बॉन्ड और कंप्लीट करवा दिए तो कार्बन के भी इधर भी चार बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसका फार्मूला देखो क्या है, इसका फार्मूला भी C3H4 है, ठीक है। हम दो बॉन्ड दो एक ही कार्बन सेट के बीच में दे दें, जैसे कि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड दे दिए तो मतलब टोटल बॉन्ड कितने हैं, तीन हो गए यहाँ पर, है ना, और इसको एक और कार्बन से जोड़ दिया तो यहाँ पे अब एक केवल कार्बन की जगह बची,
और इसने केवल एक बॉन्ड बचाया तो यहाँ पे तीन कार्बन की जगह बची। तो देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया, C3H4। क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई सर कि अगर एक साइकिल है तो DU की वैल्यू कितनी है, 1। एक पाई बॉन्ड है तो DU की वैल्यू कितनी है, 1। एक साइकिल और एक पाई बॉन्ड है तो DU की वैल्यू कितनी है, 2, है ना। दो पाई बॉन्ड है तो भी DU की वैल्यू कितनी है, 2। बेसिकली इसको अगर मैं मान लूँ कि ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता तो इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ता, इस पाई बॉन्ड को भी तोड़ता, यहाँ पे हाइड्रोजन आता और इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आता, तो तब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता। तो दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लगेंगे, इसीलिए DU कितना है, 2। क्या ये बात क्लियर है अभी एकदम, है ना? क्या ये बात क्लियर है अभी एकदम? ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मेरे पास, मैं ऐसा क्वेश्चन तो ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ ड्रॉ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ C4H6। इस फॉर्मूले से जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना उसको बनाइए, है ना। तो एक स्ट्रक्चर में चलो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, DU फाइंड करना। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, DU फाइंड करना। और DU फाइंड कैसे करेंगे, कोई भी आपको एक स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा जिसमें C4H6 हमारा बन जाए। आगे मैं DU का एक फार्मूला ही बता दूंगा जिसमें कि आपको स्ट्रक्चर भी सोचना नहीं है, आप फार्मूला देख के ही DU बता दोगे। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं चीज़ को, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा फंडा लेते हैं, एक ऐसा फार्मूला लेते हैं, है ना, जो कि हमें स्ट्रक्चर देख के उसका हम DU बता दें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये इथाइन का जनरल फार्मूला है, है ना, सॉरी एल्काइन का ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो एल्काइन का अगर ये जनरल फार्मूला है तो एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम देख लेते हैं भाई, तीन चार कार्बन बना है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है ना, अब ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, किसी एक कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं, है ना। तो बाकी हाइड्रोजन फिल करो, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। तो देखो हम एक स्ट्रक्चर बनाने में तो कामयाब रहे। इस स्ट्रक्चर को देखकर क्या ये दुविधा दूर हो जाती है, DU की वैल्यू हम इस स्ट्रक्चर को देखकर बता सकते हैं कि नहीं, DU की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल पूरे स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड हैं, टोटल पूरे स्ट्रक्चर में आपके पास दो पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड आर देयर, इसलिए DU की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या ये बात समझ में आती है? अब देखो ज़रा इस अंडरस्टैंडिंग को हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं। अगर DU की वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है, पहला, अगर DU की वैल्यू 2 है तो क्या हो सकता है, पहली चीज़, DU की वैल्यू 2 होने पर हमारे पास एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक साइकिल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। DU की वैल्यू 2 होने पर हमारे पास दो पाई बॉन्ड हो सकते हैं, दो पाई बॉन्ड होने पर यह हो सकता है कि दो पाई बॉन्ड अलग अलग हों या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना, इस सेट के थ्रू भी हमें जाना है। तीसरा क्या हो सकता है, दो साइकिल हो, क्या हो, दो साइकिल हो। इन तीनों के अलावा कोई और चौथा तो हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, तो पहला ले लेते हैं, सॉरी सबसे पहले दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, जब दो पाई बॉन्ड होंगे हमारे पास, ठीक है ना। तो दो पाई बॉन्ड के लिए हमने पहला स्ट्रक्चर तो बना ही रखा है, वो किसके लिए बनाया, इसके लिए बनाया, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो अभी सारे ट्रिपल बॉन्ड के देख लेते हैं,
है ना? तो ट्रिपल बॉन्ड अगर हम लगाते हैं तो ब्रांचिंग हो सकती है क्या इसकी? इसकी ब्रांचिंग नहीं हो सकती। तो ट्रिपल बॉन्ड का एक स्ट्रक्चर ये, तो दूसरा स्ट्रक्चर ये, ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर दें, ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट कर दें। जैसे सबसे पहले कार्बन का सिग्मा स्केलेटन बनाओ, चार कार्बन का, ट्रिपल बॉन्ड को हमने शिफ्ट कर दिया, पहले इस पोजीशन पे था, अब ट्रिपल बॉन्ड को मैंने यहाँ फिट कर दिया। हाइड्रोजन बनाओ या ना बनाओ, अगर तुम डीयू को सही से सेटिस्फाई करवा रहे हो ना, तो हाइड्रोजन अपने आप उतने ही बैठेंगे जितना आपने डीयू कैलकुलेट करने के लिए लगाया। तो डीयू कैलकुलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर को आपको पूरा बनाना चाहिए, है ना, ताकि आप देख लो कि हाइड्रोजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। हाइड्रोजन टोटल छः आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हाइड्रोजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर हाइड्रोजन आप पुट करोगे ना, तो आपको 6 ही हाइड्रोजन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 पुट किया, इस कार्बन के 4 वैलेंसी कंप्लीट हैं, इस कार्बन के भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 3 और, ठीक है, देखो इससे ये अलग है कि नहीं, ये डिफरेंट कंपाउंड है। मैंने पाई बॉन्ड की, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड और बन नहीं सकते, ट्रिपल बॉन्ड हो गए कंप्लीट। अब क्या करें? अब हम लोग जाते हैं डबल बॉन्ड पे, जहाँ पे दो डबल बॉन्ड लगाएंगे अलग अलग जगह पर, है ना। तो अब हम लोग थर्ड पे जाते हैं कि चार, सबसे पहले क्या करेंगे, चार कार्बन बनाएं। अभी सारे ओपन चेन है क्योंकि साइकिल तो अभी तक आया नहीं है, हम तो अभी क्या कर रहे हैं, दोनों पाई बॉन्ड ले रहे हैं, मतलब ऑल ओपन चेन स्ट्रक्चर ले रहे हैं। इसका कंप्लीट कर दिया है, अब दो पाई बॉन्ड हैं तो डीयू कंप्लीट हो गया ना, तो कोई भी साइकिल नहीं आने वाला अभी, है ना। तो यहाँ पर अभी हम क्या करें, यहाँ पर अभी हम क्या करें, दो पाई बॉन्ड दे, लेकिन अब दोनों पाई बॉन्ड सेम के बीच में नहीं दे सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना ट्रिपल बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड अगर यहाँ देंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड हम यहाँ दे सकते हैं अगल बगल। तो ये तीसरा स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन बनाओ ना बनाओ वो उतने ही आने हैं, 6, है ना। तो फोर्थ पे जाते हैं, पाई बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है पाई बॉन्ड का, इनके बीच में पाई बॉन्ड दे दें, चलेगा, है ना। कोई ब्रांचिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये जो कार्बन है ना, यहाँ पर आता तो एक ब्रांच बनता, बट ये कार्बन ऑलरेडी दो बॉन्ड ले चुका है, तो यहाँ पर अभी तीसरा बॉन्ड नहीं बन सकता, सॉरी, यहाँ पे चार बॉन्ड ऑलरेडी ले चुका है, तो पांचवा बॉन्ड नहीं बनने वाला, तो इनके केस में भी कोई ब्रांचिंग नहीं आएगी। तो टोटल चार यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गए कि नहीं, 1, 2, 3 और ये 4। तो मेरे ख्याल से ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम किस में आते हैं, अब हम आते हैं एक पाई हो और एक साइकिल हो, है ना, एक पाई हो और एक साइकिल हो। तो ऐसा हो सकता है टोटल चार कार्बन है, इतना ध्यान रखना। तो अब हम लोग एक पाई और एक साइकिल के लिए पांचवा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी साइकिल जो होती है वो 3 मेंबर की होती है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो चौथा कार्बन कहाँ जाएगा, एक ब्रांच की तरह आएगा, तो टोटल चार कार्बन हो गए। अब चार कार्बन में इस मिथाइल ग्रुप के साथ में यहाँ पर एक पाई बॉन्ड भी आना चाहिए, तो एक साइकिल भी है और एक पाई बॉन्ड दे दो कहीं पर भी, यहाँ पे दे सकते हैं। क्या इसी का कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है? एकदम बन सकता है, मिथाइल के ऑपोजिट पे पाई बॉन्ड बन सकता है। तो सिक्स्थ क्या हो गया, यहाँ बन सकता है मिथाइल के ऑपोजिट पे पाई बॉन्ड। पहले तो मिथाइल के बगल में ही पाई बॉन्ड बनाया था, अब मिथाइल के ऑपोजिट पे पाई बॉन्ड। तो तीन साइकिल के ये दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है ना। चार साइकिल का कोई कॉम्बिनेशन बने, अब साइकिल को स्केल अप करें, टोटल चार कार्बन है ना, टोटल चार कार्बन है ना, तो चार कार्बन के लिए एक रिंग चार कार्बन की बना देते हैं। तो अभी तो एक रिंग हुई है, मतलब एक साइकिल हुई है, एक पाई बॉन्ड भी तो आएगा अभी, तभी तो डीयू की वैल्यू 2 होगी। तो पाई बॉन्ड अब इसमें कहीं पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, या यहाँ पे लगाओ, बात सेम है, समझ में आता है ये बात। तो चार मेंबर का एक ही रिंग तो बन पाएगा क्योंकि कोई मिथाइल भी नहीं है कि उसकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज करते जाएं और हमारे पास आंसर डिफरेंट डिफरेंट आते जाएं। तो इसका चार
कार्बन की रिंग का एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है ना। तो बेसिकली ऑप्शन वन और ऑप्शन टू को हमने देख लिया, ये बाकी है, दो साइकिल हो हमारे पास, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो इसको मैं पूरा बना के दिखाता हूँ। चार कार्बन की एक साइकिल इस तरह से बनेगी, है ना। अब पाई बॉन्ड नहीं लगाना है हमें, दोनों साइकिल बनाना है। तो दोनों साइकिल के लिए इस कार्बन की दो वैलेंसी है बाकी और इस कार्बन की दो वैलेंसी बाकी है, और दो वैलेंसी ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो दो वैलेंसी इसकी बनानी है, दो वैलेंसी इसकी और बनानी है। तो हम अगर इस कार्बन से इस कार्बन का बॉन्ड बना देते हैं, तो देखो दो साइकिल हो गई, एक तो ये वाली साइकिल और एक ये वाली साइकिल। देखो दो साइकिल हो गई कि नहीं हो गई? तो जब दो साइकिल हो गई, अब मैं हाइड्रोजन ही बना के दिखाता हूँ। देखो टोटल छह हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन बॉन्ड बना लिए तो एक, और यहाँ पे एक। देखो इसको बॉन्ड नोटेशन में हम ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे टोटल कितनी है? दो साइकिल है ना। यहाँ पे टोटल कितने? दो साइकिल हैं, है ना। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सेवन है और ये एट है। हमें बस डीयू पता होना चाहिए, हमें हिंट मिलते चले जाएंगे कि स्ट्रक्चर हमें कैसे कैसे आगे बनाना है। क्या ये बात समझ में आती है? चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। बताओ ऐसा एक कंपाउंड मैंने बनाया, ऐसा एक कंपाउंड मैंने बनाया, कार्बन कहाँ कहाँ पर है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन और आठ कार्बन, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और बताओ इसका डीयू कितना है। मैकेनिज्म से बताना, मतलब डीयू क्या होता है इस बात को ध्यान रखना। नंबर ऑफ एच टू एडेड टू कन्वर्ट द कंपाउंड इंटू ओपन चेन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। तो ये सैचुरेटेड तो है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, बट यहाँ पे साइकिल है बहुत सारी, है ना। तो मैकेनिज्म से बताओ हाइड्रोजन ऐड कर करके कि ये इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसको डीयू भी बोला जाता है, वो कितना होगा। मतलब तुम बॉन्ड को तोड़ो और ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और फाइनली क्या आंसर आता है डीयू का वो बताओ। स्क्रीन को पॉज करें और आंसर निकाल लें। स्क्रीन को पॉज करें और आंसर निकालें। बताओ व्हाट इज द आंसर गाइस? बोलो, लेट अस सॉल्व गाइस, है ना। देखो इसको, इसका डीयू निकालने के लिए मैकेनिज्म से मैं ग्रीन पेन को यूज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। अगर इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचा? ये बचा। तो यहाँ पे इस बॉन्ड को तोड़ने की वजह से इस एंड पे कार्बन जो है ना, उसकी दो वैलेंसी खाली हो गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो बेसिकली यहाँ पे दो हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए, तो मैंने एक हाइड्रोजन का मोल ऐड किया प्लस। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अब क्या बचेगा? अब बचेगा मेरे पास ये, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
एंड वाले हाइड्रोजन को हम पहले ही हाइड्रोजन, एंड वाले कार्बन को हम पहले ही हाइड्रोजन दे चुके हैं, बट यहाँ पे ये बॉन्ड खाली रह जाएगा, ये बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हमें और देने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम मतलब अब हम लोग एक और ये ऐड कर चुके हैं हाइड्रोजन, अब इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको भी खाली करो। तो अब देखो ये वाले जो हाइड्रोजन है इनके बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन तुमको और देना पड़ेगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और यहाँ पर भी देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, लेकिन अब ये क्या बन चुका है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसको यहाँ से हम ओपन कर देंगे ना, सीधी लाइन में बैठाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये एक ओपन चेन एल्केन बन गया कि नहीं, यही हमारा मोटिव होता है ना। तो यहाँ पे डी यू की वैल्यू कितनी है, वैसे अभी हमने तीन हाइड्रोजन ऐड किए, एक यहाँ पे एक स्टेप में और एक इस स्टेप में, तो डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी यू इज इक्वल टू नॉट टू थ्री। तो अगर इसके मुझे आइसोमर्स निकालने हैं, मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, तो अगर इसके और आइसोमर्स निकालने हैं तो सोचो ज़रा डी यू की मतलब थ्री का क्या हुआ, तीन पाई बॉन्ड या तो हो सकता है या तो तीन साइकिल हो सकती है, तीन साइकिल का एक केस तो यहाँ बना ही हुआ है, या तो ये हो सकता है दो पाई बॉन्ड हो और एक साइकिल हो, या तो ये हो सकता है कि दो साइकिल हो एक पाई बॉन्ड हो दो साइकिल हो, है ना, बस इतना ही होगा, तीन पाई बॉन्ड तीन साइकिल, है ना, दो पाई बॉन्ड एक साइकिल, एक पाई बॉन्ड दो साइकिल, ये चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अभी सोच सोच के इसका होमवर्क में क्या करना, सारे स्ट्रक्चर बना डालना, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं उसको एक बार देख लेना, समझ में आता है। तो डी यू की वैल्यू यहाँ पे चप्पर फाड़ के कितनी हो गई, थ्री, डी यू की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, इसको आप मेरे ख्याल से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। हमें स्ट्रक्चर अगर गिवेन हो, इफ स्ट्रक्चर इज गिवेन, इफ स्ट्रक्चर इज गिवेन, तब तो हम क्या कर सकते हैं आराम से, इफ स्ट्रक्चर इज गिवेन देन वी कुड फाइंड डी यू, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुमको साइक्लोप्रोपेन गिवेन है, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, एन का मतलब है सैचुरेटेड, साइक्लो का मतलब है वन साइकिल, तो सैचुरेटेड के लिए तो डी यू जीरो, वन साइकिल के लिए डी यू वन, तो इसका ओवरऑल डी यू कितना हो जाएगा, वन, एक साइकिल का डी यू अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वन। अगर हम लोग डी यू को फाइंड कर सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, है ना, नंबर ऑफ साइकिल हम लोग बता सकते हैं कितने हो सकते हैं, और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, वी कैन फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट, है ना। ऐसा क्यों ना हो कि हम फॉर्मूले से, कैन वी फाइंड अ फॉर्मूला फॉर डी यू, है ना। जैसे कि अगर मान लो मुझे C3H6 गिवन है, तो क्यों ना केवल ये फॉर्मूला देख के डी यू निकाला जा सके, कोई भी मुझे एक एक सिंगल स्ट्रक्चर भी ना बनाना पड़े, ऐसा हो सकता है, एकदम हो सकता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाय
बाय अ डायरेक्ट फार्मूला, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या देखते हैं, आज हम लोग केवल और केवल देखते हैं DU अगर गिवेन है तो स्ट्रक्चर कितने कितने निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास C4 है ना, H6 है। बताओ पहला क्वेश्चन है कि DU कितना है, दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने होंगे। अगर ये मॉलिकुलर फार्मूला है तो इस मॉलिकुलर फार्मूला से कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं वो आपको बताना है। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, आंसर लीजिए, है ना। ओके चलिए हम लोग यहाँ पे आंसर स्टार्ट कर देते हैं अपने, है ना। हम एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद हम डिफरेंट स्ट्रक्चर में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये बेसिकली एल्कीन है ना। एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन नहीं, थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन को, इसको मैं कर देता हूँ C4H8 कर देता हूँ, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, एल्कीन है C4H8। हमें इस C4H8 से सबसे पहली बार DU निकालना है और नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर निकालना है। तो मुझे पता है कि ये एक एल्कीन का भी मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला होता है। तो एक तो हमें पता चल ही सकता है क्या होगा, चार कार्बन बनाओ, सबसे सिंपलेस्ट सोचो, और कहीं पर भी एक पाई बॉन्ड दे दो और वेरीफाई करो क्या इसी स्ट्रक्चर में क्या ये फार्मूला फिट बैठता है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन होंगे, चलेगा। देखो क्या आठ कार्बन है टोटल, आठ हाइड्रोजन है, कार्बन तो चार हैं, हाइड्रोजन आठ है कि नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल एट हाइड्रोजन एंड फोर कार्बन, स्ट्रक्चर चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो क्या स्ट्रक्चर चलेगा या नहीं चलेगा। एकदम चलेगा स्ट्रक्चर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, इसका मतलब अब इस स्ट्रक्चर को देख के क्या हम DU बता सकते हैं, इसका मतलब इस फॉर्मूले का जो DU है वो कितना है, वन है। अब अगर DU वन है तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो DU वन का मतलब या तो एक पाई बॉन्ड या तो एक साइकिल। तो पहले पाई बॉन्ड वाले सारे खत्म करते हैं, एक पाई बॉन्ड इधर है ना, तो एक पाई बॉन्ड इधर होने पर यहाँ पे चेन लेंथ कितनी है, वन टू थ्री और फोर। तो फोर कार्बन में पाई बॉन्ड को हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड अरेंज कर सकते हैं, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड अरेंज कर सकते हैं, तो दो स्ट्रक्चर तो यही बना डाले। अब हम क्या करें कि तीन कार्बन की लेंथ लेते हैं, एक दो तीन, तो चौथा कार्बन किधर आएगा, यहाँ पे आएगा एज अ ब्रांच। और अब हम लोग पाई बॉन्ड को फिट करने की कोशिश करते हैं। तो पाई बॉन्ड को हम केवल एक ही जगह फिट कर सकते हैं, यहाँ करो या यहाँ करो, बात तो सेम ही है, तो हमने एक जगह कर दिया, है ना। अब अगर इस पाई बॉन्ड को हम यहाँ पे लगाते हैं ना, तो वापस ये यही बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो अगर हमने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके यहाँ लगा दिया तो ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही तो हैं, दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो ये बना दिया। अब देखो फर्दर कोई ब्रांच नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सोचने का तरीका, ओपन चेन में पाई बॉन्ड देना है, तो ओपन चेन चार कार्बन का ले लिया, ओपन चेन तीन कार्बन का ले लिया। चार कार्बन में हम दो तरीके से पाई बॉन्ड को अरेंज कर सकते हैं, तीन कार्बन की चेन में हम पाई बॉन्ड को एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, केवल यहाँ पर। अब हम लोग जाते हैं क्लोज चेन की तरफ, मतलब साइकिल की तरफ। तो साइकिल सबसे पहले चार की ले लें, तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन साइकिल बना दो।
एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? दूसरा स्ट्रक्चर जो साइकिल होगी कम से कम तीन की बन सकती है, एक ये बना दिया। तो अगर हमने साइकिल तीन की बनाई है तो साइड सब्स्टिट्यूएंट में मुझे एक मिथाइल ग्रुप लेना पड़ेगा, तो मिथाइल ग्रुप भी ले लिया हमने, ठीक है ना? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। तो हमने एक मिथाइल ग्रुप भी ले लिया, तो मिथाइल ग्रुप ले लिया, टोटल स्ट्रक्चर कितने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। और कोई कुछ सोच सकता है क्या? अब दो कार्बन का चेन तो नहीं होता ना, सॉरी दो कार्बन का रिंग तो नहीं होता ना, तो रिंग या तो चार का होगा या तो उससे कम एक तीन का होगा, दो कार्बन का नहीं होगा, तो मतलब यही दोनों रिंग के स्ट्रक्चर हैं, दैट्स इट। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। सो गाइज, आज हम इतना ही करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी DU के सीरीज की, वो क्या होगी? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो गाइज आई एम एंडिंग दिस क्लास टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग। आई विल कम बैक टू यू। ओके, ओके, थैंक यू गाइज। यू आर वॉचिंग द क्रैक महाराष्ट्र CET चैनल। प्लीज़ यूट्यूब कमेंट्स करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो सके। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम शुभदीप दत्ता है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, राइट? सो दिस वॉज शुभदीप दत्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।